प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में आमजन का सहयोग, प्रशासन सतर्क, जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पसरा सन्नाटा। अम्बेडकर नगर कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा शासन प्रशासन सतर्क रहा, वहीं नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आमजन घरों से बाहर नहीं निकले। कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद रविवार सुबह से ही जिला मुख्यालय को लेकर तहसील जलालपुर, टांडा, आलापुर व भीटे में ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। वहीं पूरे जिले में जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए आमजन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया, जबकि जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी बल के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। वहीं जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में उप जिलाधिकारी जलालपुर एमपी सिंह, क्षेत्राधिकारी जलालपुर आरपी राय व थाना प्रभारी प्रद्युमन कुमार सिंह तथा थाना प्रभारी माल्यपुर विवेक वर्मा दलबल के साथ लोगों को घर से बाहर न निकलने व वायरस के खतरे से बचाव के लिए सचेत करते रहे, जिससे जनता कर्फ्यू सफल रहा। ना तो कहीं चाय पान की दुकान खुली और ना ही मेडिकल स्टोर व अन्य दुकानें। इस बंदी के लिए व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा उर्फ मुन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न सोनी ने सहयोग करने के लिए सभी का आभार किया। अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। पूरा देश आज रिस्क पे है और लोग डरे सहमे कहीं ना कहीं घरों में है, सेंट्रलाइज हो रहा है, ऐसे में आपके जवान सीना तान कर खड़े, क्या कहेंगे सर? देखिए, पुलिस एक आपातकाल सेवा है और नीचे डाउन मारो जरा सेवा है और इस सेवा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पुलिस और मेडिकल, ये दो विभागों के लोग लगातार इस जो भी समस्या अभी आई उससे जूझ रहे हैं और हिम्मत से काम ले रहे हैं। जो प्रिकॉशन स्वयं के लिए ले सकते हैं वो उनको लेने के लिए कहा गया है। जितने भी ग्लव्स और सैनिटाइजर्स हम खरीद सकते थे खरीद हमने भरवाए भी हैं और उसके बाद भी अगर कोई डेंजर का, किसी खतरे का एलिमेंट अगर मौजूद है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सेवा भाव में अगर कभी ये उसकी छोटी सी कीमत है जो सेवा करनी पड़े तो उससे कोई पुलिस वाला छूटता नहीं। सर, एक जज्बा है लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, इसमें क्या कहेंगे? ये जज्बा ही है हमारी सेवा को इतना स्पेशल और इतना ऊँचा बनाता है। लोगों की रिस्पेक्ट हम लोग इसलिए से मिलती है कि जब जो काम कोई नहीं कर पाता उसके लिए पुलिस सभी तैयार रहती है। आज भी देखिए सारी पुलिस और लोगों से अपील भी कर रही है कर्फ्यू का पालन करने के लिए, जनता कर्फ्यू है। जो लोग जिनके पास अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन है उसे सीख रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कराई जा रही है। अगर किसी का सैनिटाइजेशन होना है तो डॉक्टर से मिला तो उनको सैनिटाइज कराया जाए, चेक कराया जा रहा है। ये सारे काम करने के लिए किसी न किसी एजेंसी को आना चाहिए और पुलिस की वो एजेंसी है जो ऐसे एडवर्स सिचुएशन में इस काम को कराए। थैंक यू सर।